तो एग्जिट पोल को लेकर जहां बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसे लेकर अब मैं बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं। अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उत्तर प्रदेश से संजय निषाद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जमीनी जानकारी नहीं है, वो हकीकत को जानते ही नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव एग्जिट पोल को कभी षड्यंत्र बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इस पर विश्वास ना किया जाए। अब सुनिए जरा कैसे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान संजय निषाद मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार में निषाद पार्टी के मुखिया हैं, स्थापक हैं, उनकी एक तस्वीर रिपब्लिक भारत पर जो थी मछली पकड़ने की, मछली का जाला फेंकने की, काफी चर्चा में रही। सर, जो जाला तब आपने फेंका था, ये एग्जिट पोल के नंबर उसी जाले में फंसी मछली तो नहीं है? पहले हमारे समाज के लोग राजा थे और राजनीति जिनके खून में राजनीति थी, लेकिन मुगलों अंग्रेजों ने इन्हें धोखे से बर्बाद कर दिया। अब भगवान राम निषाद राज जब एक साथ थे तब दुनिया में राम राज मतलब सुख का राज था, फिर से आज ये जो शिकार हो गए थे, अब खुद शिकारी हो गए, अब शिकार होने से बच रहे हैं। तो ये जो मोदी जी का महाजाल था, वो हम लोग आए 2017 में, आपने देखा होगा 2018-19 में मोदी योगी के साथ आए तो सपा बसपा एक हो गए थे, लेकिन फिर मोदी के उसका था। तो ये निषादों का जो झौआ भर वोट है वो पौआ का साथ छोड़कर अब पावर के साथ आ गया है, और पावर के साथ रहने की वजह से तो इनको क्या करते थे भाई, तुम्हारे पास मछली है, और शाम को पौआ बांट देते थे, तो मछली पौआ पी के बेचारे भूल जाते थे कि कितना सताया है 5 साल से। लेकिन जब मोदी का पावर देख लिया तो कहा भैया आप छोड़ दो, हमारा मछली भी है इधर, पावर भी है, और चूँकि जानते हैं मछली ओमेगा-3 होता है, अब मछली खाओ और पावर के साथ। जो आपने असर अपना दिखाया है, क्या लगता है ये जो एग्जिट पोल के नंबर है एज इट इज रहेंगे कि बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको? एग्जिट पोल के नतीजे और बेहतर आएंगे, क्योंकि हम जो नतीजे लाते हैं कि मोदी परिवार कौन है वो पन्ना प्रमुखों ने बता दिया कि मोदी परिवार कितने हैं, फिर हमारे बूथ अध्यक्षों ने बता दिया, शक्ति केंद्र ने अटेस्ट कर दिया, और मंडल अध्यक्ष और प्रमुख जिला में बता दिया। तो इतना जब बता दिया कि मोदी परिवार है तो कितना। तो ये आपने सुना संजय निषाद को लेकर।